Hey guys, you're watching Troika Speaks. मैं हूँ आयुष एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू विल इनेबल सिक्योर बूट एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM ऑन गीगाबाइट्स AMD बेस्ड मदरबोर्ड जो कि होते हैं A320 एंड B450. ओके, फॉर दिस आपको करना क्या है? When your PC boots, just before the booting process, आपको delete की बार बार press करनी है. Actually, just before the booting process starts, आपको delete की press करनी है. But if you are not able to sure that your timing is correct, तो you can keep pressing delete की. आप delete की बार बार दबाते जाइए till it doesn't boots to your BIOS. और उसके बाद BIOS में करना क्या है, मैं आपको further बताऊंगा. Okay, first let me just restart. Okay, just keep pressing delete key multiple times जब तक BIOS में boot ना कर जाए. Okay, BIOS is over here. And now let me just tell you कि आपको यहाँ पे करना क्या है. Gigabyte symbol के नीचे ये जो BIOS tab है, the third option. Okay, go there. और फिर यहाँ पे आपका जो CSM support है ये आपका इनेबल होगा. इट विल लुक सम काइंड ऑफ लाइक दिस. और ये आपको दरअसल डिसेबल करना है. एंड फॉर बेटर नेविगेशन इन BIOS मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एरो कीज का यूज करें. एंड फॉर सिलेक्टिंग द ऑप्शन दैट इज हाईलाइटेड उसके लिए आप एंटर की यूज करें. ओके, लेट मी जस्ट डिसेबल इट. और आप यहां पे देख सकते हैं दैट बिलो ओवर हियर यहाँ पे आपको सिक्योर बूट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा. ओके, जस्ट गो टू सिक्योर बूट और आपको सिक्योर बूट इनेबल करना है. यू माइट सी एन एरर. सब कुछ नहीं करना है, जस्ट बूट टू योर BIOS 2 or 3 times. मेरा तो दूसरी बार में ही काम बन गया. और आपको जब ये सिक्योर बूट इनेबल करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगी. एंड दिस सिक्योर बूट मोड आपका यहाँ पे कस्टम होगा, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कर लेना है. And okay, finally you have just enabled secure boot. Okay, in peripherals tab आपको AMD के लिए ये AMD CPU FTPM इसको enable कर देना है. ये आपका disable होगा if you have not enabled it yet. और Intel के लिए ये क्या term होता है? It is in short something like PTT. लेकिन क्या होता है, आई विल अपडेट यू लेटर. एंड डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मैं दे दूंगा. ओके, यहां तक आपका काम खत्म हो गया. एंड नाउ आई जस्ट नीड टू गो टू दिस सेव एंड एग्जिट. और आपको सेव एंड एग्जिट सेटअप करना है. एंटर की प्रेस करनी है, नॉट ऑन एग्जिट विदाउट सेविंग. ओके, जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट सेटअप, बूट कर जाएगा. एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि आपने ये जो अभी किया, वाई दिस. एक्चुअली आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करनी है तो आपका सिक्योर बूट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM PTT फॉर इंटेल ये इनेबल होना चाहिए, तभी आपकी विंडोज 11 चलेगी. और ऐसे अगर आपने चला भी ली, चल जाती है. अगर आपने चला भी ली तो आपको सर्टेन प्लेसेस में आपको एरर्स देखने को मिलेंगी. एंड सिक्योर बूट वगैरह इनेबल नहीं होता है तो आपको जैसे गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव टाइटल्स, कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स टाइटल्स जैसे कि वैलोरेंट वगैरह, इनमें भी आपको पॉपअप देता है दैट यू शुड इनेबल दिस. ओके, यू हैव बीन वॉचिंग ट्रोइका स्पीक्स. मैं हूँ आयुष. थैंक यू.